एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो ना एक वन ब्रांड हॉल होने वाला है, ज्वेलरी का हॉल है और इसमें मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़ेलिन से मंगाए हैं। मुझे इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल लगते हैं। एक दो ऐसे भी ब्रांड्स और भी हैं अमेज़ॉन पे जो मैंने पहले भी बताए आपको, जिनमें बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये ब्रांड मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है। मैंने पहले भी जितनी ज्वेलरी हॉल्स किए आई थी उसमें दो तीन प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ज़ेलिन से मंगाए थे और आप लोगों को बताया भी था कि बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मुझे बहुत पसंद आए इनके प्रोडक्ट्स। इस बार सारे ही प्रोडक्ट्स वहीं से हैं। बॉक्सेस में आई थिंक 5-6 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। तो सबसे पहले है ये बॉक्स, अरे तो इतनी अच्छे से पैक होके एक एक प्रोडक्ट आया था ना कि डैमेज होने का कोई चांस ही नहीं है। इतनी बार रैप किया गया है बबल रैप में, तो कोई भी चांस नहीं। मैंने सबको देखा है, देन फिर से इसको वैसे ही रैप करके रख दिया है, फिर भी मैंने एक दो लेयर्स आई थिंक हटा भी दिए हैं। सबसे पहला है ये प्रोडक्ट, ये एक चोकर है ग्रीन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में, डार्क ग्रीन एंड लाइट पिंक। ये कॉम्बिनेशन जनरली मिलता ही नहीं है और सिल्वर का टच है, जनरली सिल्वर ज्वेलरी जैसी होती है ना कुछ उस तरह का टच है, बहुत ही डिफरेंट। इस तरह का कोई भी चोकर मेरे पास नहीं था, ना ही मैंने देखा है। ये वाला जो है ये बहुत डिफरेंट है, यहाँ से पूरा ये सिल्वर वाला लुक आ जाता है, देन ग्रीन और यहाँ पे बीड्स लगे हैं, यहाँ पे स्टोन्स लगे हैं, फिर पिंक स्टोन है बहुत लाइट बेबी पिंक और बहुत सुंदर से बीड्स यहाँ पे लगे हैं। ये पहनने पे इतना सुंदर लगेगा एंड वेरी लाइट वेट, इट्स नॉट हैवी और बहुत ही रिच लग रहा है देखने में। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने पहले देखा भी नहीं था, तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला सेट। एंड यहाँ पे जैसे आप देखेंगे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। ये वाला जो लुक है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीट है, काफ़ी बारीक काम है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। पीछे की तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा चुभने वाला नहीं है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। एंड आपको ये डोरी मिलती है टू एडजस्ट, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा था, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। एंड ऑफकोर्स प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल हैं और इसके साथ ईयरिंग्स भी हैं। इसके साथ ये बहुत ही सुंदर से ईयरिंग्स हैं, लेट मी जस्ट शो यू, इस तरह के। एंड कितने लाइट वेट हैं, बड़े ईयरिंग्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। अगर आप बहुत हैवी ईयरिंग्स पहनना पसंद नहीं करते तो ये बहुत अच्छा है। एंड इट्स सो लाइट वेट, आप जिस तरह से ये हिल रहा है आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ये बहुत लाइट वेट है। आई लव द डिज़ाइन, चांदबाली काइंड ऑफ डिज़ाइन है इसका, रियली नाइस, वेरी लाइट वेट एंड वेरी डिफरेंट। आई लव द कलर कॉम्बिनेशन, मैं कितनी बार बोलूँ। ये एक ऐसी ईयरिंग है जो आप बिना चोकर के भी बहुत सारे कुर्तीज के साथ, ट्यूनिक्स के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगेगा। नेक्स्ट इज दिस बॉक्स, एज यू कैन सी ऑल आर फ्रॉम ज़ेनेमी। ये बहुत ही सुंदर सा नेकलेस है, अगर आपको हैवी नेकलेसेस नहीं पसंद, डेंटी पीसेस, एलिगेंट पीसेस पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। लुक एट दिस, ओके लुक एट दिस, इस तरह का नेकलेस है, रोज गोल्ड फिनिशिंग है। ये नेकलेस आप साड़ीज के साथ, ड्रेसेस के साथ, सूट्स के साथ, सबके साथ कैरी कर सकते हैं। जो हैवी अनारकली गाउन्स होते हैं, अगर आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, कॉकटेल पार्टी है, संगीत है, किसी में भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड प्राइस भी इतनी बढ़िया है, इस प्राइस में ये क्वालिटी, इसके जो स्टोन्स है इतने परफेक्टली सेट हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीट काम है, बहुत सुंदर लग रहा है। आई जस्ट लव द नीटनेस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। रोज गोल्ड में ये 80 स्टोन्स दिए गए हैं, लुक्स रियली रियली नाइस। ये तो आपके बहुत काम आने वाला है। एंड इसके साथ ये क्यूट से ईयरिंग्स भी हैं, वैसे भी जब इस तरह का नेकलेस होना तो ईयरिंग्स भी छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो ये पीस बहुत ही अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है एंड ऑफकोर्स देखने में बहुत सुंदर है। नेक्स्ट अगेन आई हैव अ नेकलेस सेट, ये भी नेकलेस सेट, पहले तो कलर कॉम्बो मैं पहले दिखा देती हूँ। ये जो कलर है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और जो सी ग्रीन, टर्कोइज ग्रीन काइंड ऑफ जो कलर आता है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगेन इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसमें भी 80 स्टोन सेट हैं, कलर कॉम्बिनेशन रियली नाइस। ये वाला जो है ये डिफरेंट स्टोन है, देन यहाँ पे 80 स्टोन आपको मिल जाते हैं। ये भी आप इंगेजमेंट होने वाली है, कॉकटेल पार्टी है, संगीत है, सूट्स हैं, साड़ीज हैं, गाउन्स हैं, सब पे चल जाएगा। बहुत ही डेलिकेट पीस है, लुक्स रियली नाइस, क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है, शाइन इतनी कमाल की है ना, बहुत ही खूबसूरत शाइन है। एंड ये सब पीसेस ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ बहुत हैवी पहन लिया है, या फिर अगर आप बहुत हैवी पीसेस ले लो तो वो फिर रखे रह जाते, यूज़ नहीं हो पाते। लेकिन ये सब पीसेस यूज़ होंगे, बार बार होंगे,
वैसे तो ये सी ग्रीन काइंड ऑफ कलर में है, लेकिन फिर भी ये पिंक के साथ बहुत अच्छा लगेगा, व्हाइट के साथ अच्छा लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के आपके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी ये कलर बहुत ट्रेंड में है, आउटफिट्स में भी, ज्वेलरी में भी, तो आई एम श्योर ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आप इस तरह का कलर ढूंढ रहे हैं, आपके पास आउटफिट है और आपको नहीं मिल रहा है, तो दिस इज द वन विच यू शुड हैव। दिस इज रियली नाइस, कलर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके साथ थोड़े लंबे इयररिंग्स मिल जाते हैं, ये ना कॉकटेल ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये भी लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, ये भी सेट बहुत लाइट वेट है, देखने में बहुत ही क्लासी लगता है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्राइस नहीं पे करना है। इन मेरे पास एक सेट है, इयररिंग्स नेकलेस एंड ब्रेसलेट का सेट, ये तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अगेन ये भी जैसे कि मैंने बोला बहुत ही डेंटी पीसेस होने वाले हैं, बहुत एलिगेंट हैवी ज्वेलरी नहीं है। मैंने पहले बहुत सारी हैवी ज्वेलरी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, तो अगर आपको हैवी ज्वेलरी देखनी है तो आप पहले के वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी गोल्ड है, ये एग्जैक्टली रोज गोल्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉपर हिंट में है, एंड डिजाइन इसकी भी बहुत अच्छी है। ये भी बहुत सुंदर सा प्यारा सा नेकलेस है, इसमें भी आपको कुछ इस तरह का, ये ना थोड़ा सा गोल्ड ज्वेलरी काइंड ऑफ हिंट है इसमें, लुक आता है, तो ये बहुत सुंदर लगा मुझे ये भी, अगेन वेरी एलिगेंट। अगर आपको चेन मिलती है ये आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी हुक कर सकते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसकी ना लंबाई जो है वो ओवरऑल मुझे उन दोनों नेकलेस सेट से थोड़ी सी ज्यादा लगी है, तो ये इजीली सबको आ जाएगा, नेक पे अच्छे से फिट आ जाएगा। ये है इसके इयररिंग्स, अगेन इयररिंग्स आप बहुत यूज कर सकते हैं किसी भी आउटफिट के साथ, और ड्रेसेस जो थोड़ी सी कॉकटेल ड्रेसेस होती हैं, एथनिक ड्रेसेस होती हैं, उनके साथ, सूट्स के साथ, साड़ीज के साथ बहुत ही अच्छे से ये, बहुत ही अच्छे से ये जाएगा, एंड वेरी लाइट वेट ऑल्सो। एंड आई हैव दिस प्रिटी ब्रेसलेट विद मी, इसमें ये बटरफ्लाई बना हुआ है एंड बहुत ही सुंदर बारीक स्टोन्स लगे हुए हैं, शाइन बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लिंगी है, बहुत ही टोन डाउन शाइन है एंड बहुत अच्छा लग रहा है, क्वालिटी इज रियली नाइस। ये मुझे इस ब्रेसलेट से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन बहुत अच्छी है। एंड ये एडजस्टेबल है कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है, एज यू कैन सी, खोल के आप इजीली पहन सकते हैं कुछ इस तरह से, बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत अच्छा डिजाइन है, क्यूट है, क्वालिटी काफी अच्छी है। मेरे पास दो इयररिंग्स हैं, सबसे पहले है एक ये हूप इयररिंग। इस हॉल में सारी ज्वेलरी ऐसी है जो कि आप वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों के साथ पेयर कर सकते हैं, और नेकलेसेस भी जो हैं वो गाउन्स के साथ इजीली चले जाएंगे, ड्रेसेस के साथ, मॉडर्न साड़ीज के साथ। तो ये जो इयररिंग है ना, ये भी आप मॉडर्न ड्रेसेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। मुझे इस तरह की हूप इयररिंग्स जनरली उतने पसंद नहीं आते, मुझे या तो छोटे छोटे पसंद आते हैं, या फिर वो जो कंप्लीट बाली वाला लुक आता है ना, चांद बाली काइंड ऑफ, वो पसंद आता है, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी एंड इसका डिजाइन बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने इसे मंगाया है। थोड़ा सा हैवी है, नॉट एग्जैक्टली हैवी हैवी, बट हाँ जनरली जो नॉर्मल हुप्स होते हैं लाइट वेट, जो कैसे एक सर्कुलर आता है, उससे थोड़ा हैवी है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको स्टोन सेट मिल जाते हैं, हाफ पे ये स्टोन है एंड देन पीछे की तरफ ये इस तरह से हॉलो काइंड ऑफ डिजाइन किया गया है। ये भी रोज गोल्ड फिनिश में है, तो ये भी आप इजीली साड़ीज के साथ, जो थोड़ी प्लेन साड़ीज, मॉडर्न लुक वाली साड़ीज होती है, उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, सूट के साथ बहुत ही क्या प्यारा लगेगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट है, डेली वेयर, डेली जो नॉर्मली इयररिंग्स होती हैं उनसे डिफरेंट है, एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। देन लास्ट वन इज ऑल्सो एन इयररिंग, एंड मेरे वीडियो में कोई एक बड़ा स्टड इयररिंग ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरे फेवरेट्स हैं स्टड इयररिंग्स एनी टाइम। दीज आर ऑल्सो वेरी प्रिटी स्टड इयररिंग्स, रोज गोल्ड फिनिश है, ये पूरा स्टोन का काम है, वेरी नीट, वेरी डिसेंट, एलिगेंट, बहुत सुंदर लग रहा है। बीच में ये पर्ल दिया गया है, ये पर्ल भी बहुत अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कुछ आर्टिफिशियल है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। इस तरह के इयररिंग्स मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, साड़ीज के साथ, सूट्स के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी इतनी पसंद नहीं आती, तो मुझे इस तरह के इयररिंग्स बहुत पसंद है। ये बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, डिफरेंट से दूर से दिखते हैं, एंड लुक को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे तो ऐसे इयररिंग्स बहुत पसंद है। सो दिस इज द लास्ट वन, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे सारी ही ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी है, कोई एक चूज करना हो तो आई डोंट थिंक, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे ये इयररिंग्स पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसे इयररिंग्स पसंद है, इसलिए क्वालिटी सबकी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एंड जो नीटनेस होनी चाहिए ज्वेलरी में, इधर उधर से चुभे ना, आर्टिफिशियल सा ना दिखे, पैसा वो सब चीज़ है इसमें, बहुत ही अच्छी नीटनेस है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको जो भी चाहिए आप परचेज कर सकते हैं, आई एम श्योर यू लाइक इट, कोई भी ऐसा नहीं जो आपको अच्छा ना लगे।
लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहीं आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे जरूर क्लिक करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।